रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया तिराहे में बीती रात ऐतिहासिक शिव मंदिर को तोड़ दिया गया। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही बजरंग दल, बजरंग सेना, शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे और विरोध जताया, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया। ये कहकर मामले को दबा दिया कि मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उसका गुंबद तोड़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बिना प्रशासन की जानकारी और चोरी छिपे रात में मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, उससे किसी न किसी साजिश की बू आ रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए बजरंग दल ने नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और 48 घंटे के अंदर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न करने पर खुद बड़ा कदम उठाने की भी बात कही। आइए आपको सुनाते हैं बजरंग दल के लोगों ने किस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस का क्या कहना है। ढेकहा तिराहे में एक सार्वजनिक शिव मंदिर है जो विगत पिछले काफ़ी दिनों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है, उसको कुछ लोगों द्वारा रात को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। बाद में भीड़ के आने पर उस पर कार्रवाई की रोक की गई और हम सबके प्रयास से प्रशासन भी वहां पहुंचा। प्रशासन के पहुंचने पर वो तोड़फोड़ बंद की गई। उसमें कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध थी। जो मंदिर गिराने का तरीका था वो सही नहीं था। मंदिर पुजारी जी का ये कहना था कि हम मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। जीर्णोद्धार करने की एक अपनी प्रक्रिया होती है, आप प्रशासन को सूचित करते, भगवान को सुरक्षित करते, उसके बाद आप उसका तरीका करते। ना प्रशासन को सूचित किया गया, ना भगवान को सुरक्षित किया गया और JCB के माध्यम से मंदिर पर बकेट लगाई गई। उस बकेट के बाद यदि मंदिर गिरता तो भगवान सुरक्षित नहीं रहते, भगवान की प्रतिमा खंडित हो जाती। इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है और उनकी संदिग्ध भूमिका की जाँच की जाए और उनके पीछे, चूँकि हर जगह वीडियो फुटेज उपलब्ध है, JCB जिस व्यक्ति की थी JCB वाले को पकड़ा जाए। JCB वाला बताएगा किसने गिराने का प्रयास किया, किसके कहने पर वो JCB चलाने सार्वजनिक मंदिर पर आया था दिया गया। हम लोगों का इसीलिए प्रशासन से ये मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए और सभी तथ्यों की जांच करते हुए जो लोग उसमें सम्मिलित हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की। मंदिर अगर दूसरी जगह जाती है तो भगवान को सुरक्षित कर दो, आप अच्छा मंदिर बना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। आप भगवान को पहले अच्छा मंदिर बनाइए, भगवान को वहाँ स्थापित करिए, फिर गिरा दीजिए आप मंदिर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से या स्थान विशेष से लगाव नहीं है, हमारा भगवान से लगाव है, हिंदू आस्था से लगाव है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? आनंद मूर्ति तिवारी, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। ये कल रात में सूचना मिली कि ढेकहा तिराहे में एक मंदिर शंकर जी का जो कि बना हुआ है काफ़ी पुराना, उसका उसमें तोड़ फोड़ की जा रही है। मौके पर हमारा पूरा प्रशासनिक हमला और पुलिस हमला पहुंचकर मामले की जांच किया। मामले में ये पाया गया कि वहां के जो पुजारी हैं पूरन शुक्ला जी, उनके द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना था, जिसके लिए उन्होंने एक A4 साइज़ का कागज़ वहां पर लगाया हुआ है सहयोग प्रदान करने के लिए। मगर उनसे चूक ये हुई कि उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से न ही पुलिस को, न ही तहसील कार्यालय में, नहीं SDM को इस बात की सूचना दी कि इस मंदिर का निर्माण कराया जाना है। उस संबंध में उन्होंने समाज के ही कुछ लोगों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराए जाने का प्रयास किया, मगर उन्होंने इस बात की सूचना नहीं दी। तो इसको लेकर के समाज में कुछ लोग जो वहाँ से गुजरे उनमें एक ये सोचा गया कि उनके द्वारा कि ये मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मगर इस अफवाह को जल्द ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस अफवाह को सच्चाई के जानने के बाद बताया गया कि ये मंदिर का कोई अवैध तोड़फोड़ नहीं की जा रही है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाना है। इसमें त्रुटि पंडित जी से और उनके सहयोगियों से ये हुई कि उन्होंने प्रशासन को इसकी सूचना नहीं दी और हमने उनको इस चीज़ के लिए निर्देश दिया है और SDM साहब से आज मिल करके उस मंदिर के पुनः जीर्णोद्धार की बात कही गई। कहना है कि पीछे दुकानदार है, दुकानदार द्वारा ये तोड़वाया गया है, नहीं ऐसा तो अभी तक नहीं पाया गया, आगे हम और जांच करवा लेंगे। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।